जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको MSME टेक्निकल सेंटर रोहतक के एक कोर्स के बारे में बताएंगे जो डिप्लोमा कोर्सेज है, और यह काफ़ी एडवांस कोर्सेज है, भारत सरकार की तरफ से चलाया जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन कोर्सेज है। और ये जो कोर्सेज है ICT अप्रूव्ड है, और स्टेट हरियाणा स्टेट के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी अप्रूव्ड है, इसलिए इस कोर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में से कुछ गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब्स आती हैं, उसको भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं आते जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल मैकेनिक या सिविल की आती हैं। लेकिन हाँ, इस फील्ड में तमाम जो सेंटर है वहाँ पर बेहतर आती हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर के, इलेवन ट्वेल्थ के लिए, और लेटरल एंट्री दोनों के लिए है। तो जो एडवांस डिप्लोमा टूल्स है, टूल्स एंड टाइल्स का 4 ईयर्स होता है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ईयर्स का होता है। जो लेटरल एंट्री है उनके लिए 1 ईयर कम हो जाता है ये प्रोग्राम है। चलिए आपके लिए चलते हैं विशेष जानकारी के लिए आगे डिटेल पे। जो इंस्टीट्यूट है फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, लैब्स भी अच्छे होते हैं, और प्लेसमेंट भी बेहतरीन होता है, सारी चीज़ें एडवांस होती है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से होता है, जो कि सरकारी सिस्टम में कोई कमी नहीं रहती अक्सर, क्योंकि कोई इक्विपमेंट प्रैक्टिकल की कमी नहीं रहती है, बच्चों के ऊपर होता है कितना अच्छा है क्या कर पाते हैं। तो इस तरीके से चलते हैं आपको एडमिशन प्रोसीजर की तरफ पे चलते हैं। नेक्स्ट डे चलते हैं आपको एडमिशन प्रोसीजर की तरफ में। आप इस साइट का ऑफिशियल डिटेल पर जाएंगे, ऑफिशियल डिटेल्स में आप नीचे क्लिक करेंगे तो एडमिशन प्रोसीजर आएगा, जिसमें एडवांस डिप्लोमा इन मेट्रॉनिक्स, और उसके अलावा एडवांस डिप्लोमा इन टूल्स एंड टाई, एंड सेकेंड होता है डिप्लोमा इन मेट्रॉनिक्स। इन दोनों चीज़ों में सीटें जो होती हैं 60-60 होती हैं, हालांकि इसके भी लास्ट डेट नहीं है, जैसे फुलफिल हो जाती है बच्चों की, उसके बाद आगे एडमिशन नहीं होता है। और जानकारी के लिए आप स्टेप टू स्टेप जा सकते हैं, फर्स्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं, डिप्लोमा क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को आप भरेंगे, उसके बाद डाटा सबमिट कर देंगे। आगे जो गाइडलाइन होता है HBSC या ICT की तरफ से, उसके आधार पर आगे आपका एडमिशन जाता है। फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, कोई क्वेश्चन सब हो तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इसका जो टोल फ्री नंबर है दिया हुआ है, आप इस विज्ञापन के मैं दिखा देता हूँ आपको, सबसे लास्ट में टोल फ्री नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन लिंक में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।